के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट के माध्यम से पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके जो है एक्स्ट्रा इनकम किस तरह से कमाई जाती है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, अगर आप एक पार्ट टाइम या एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए सर्च कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इंटरनेट के ऊपर जो है किस तरह से हम एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत वर्किंग करके जो है एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। दोस्तों, Fiverr.com का नाम शायद आपने सुना हो। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर जो है बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं और अपनी सर्विसेज के बिहाफ जो है यहाँ पर अर्निंग करते हैं। तो आज जो है हम Fiverr.com की जो वेबसाइट है इसके बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि इसके माध्यम से जो है हम अपनी सर्विसेज जो है इंटरनेट के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड करके किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल के ऊपर जो है Fiverr.com सर्च कर सकते हैं। या फिर जो है आप अपने वेब ब्राउजर में सीधे जो है यहां पर www.fiverr.com करके जो है इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको ऑल टाइप ऑफ सर्विस जो है प्रोवाइड अपनी सर्विसेज को सेल करने की जो है फैसिलिटी देती है। आइए जो रहे इसके बारे में थोड़ा सा जो है जान लेते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने कुछ कैटेगरीज दी हुई है। इस कैटेगरी के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के बारे में जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि इन जो सर्विसेज हैं इनमें से जो भी सर्विस जो है आपके क्राइटेरिया के अंदर आती है वो आप प्रोवाइड करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्राफिक डिज़ाइन में अगर सपोज दैट लोगो डिज़ाइनिंग है, बिजनेस कार्ड जो है, और यहाँ पर फोटोशॉप एडिटिंग है, 3D मॉडल्स है, टी शर्ट है, यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स है, वेब मोबाइल एंड डिज़ाइन है, सोशल मीडिया डिज़ाइन है, बैनर एड्स हैं एंड अदर। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर आप नॉलेज रखते हैं या इस तरह का आपका कोई नॉलेज है जहाँ पर इस सर्विसेज को आप लोगों को प्रोवाइड करके अगर एक एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं तो जो है यहाँ पर इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग है, अगर आपका नॉलेज सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, वेब ट्रैफिक या फिर जो है करंट वेबसाइट, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, वेब एनालिसिस या इस तरह के किसी काम में है तो आप जो है यहाँ पर रजिस्टर करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम एज जो है यहाँ पर लिखा है राइटिंग एंड टेलीविज़न, अगर आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं और राइटिंग करके अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, या आप बिजनेस को कॉपीराइट करवा सकते हैं, या लीगल राइटिंग आप करते हैं, वॉट एवर जो राइटिंग का और ट्रांसलेशन का जो वर्क है वो आप इस कैटेगरी में जो है अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो एंड एनिमेशन, यहाँ पर लिखा है वाइड वर्ड एग्जाम्पल वीडियोज़, यहाँ पर कितने भी प्रकार के जो वीडियो एडिटिंग करने वाले लोग हैं, वीडियो मेकिंग करने वाले लोग हैं, वो जो है अपनी सर्विसेज यहाँ पर दे सकते हैं। म्यूज़िक बनाने वाले और ऑडियो वाले, प्रोग्रामिंग एंड टीचिंग जो है यहाँ पर अगर आप किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग करना जानते हैं तो प्रोग्रामिंग की सर्विसेज को सेल करके या फिर टीचिंग करके जो है आप पैसा कमा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई वर्किंग है तो उससे रिलेटेड जो है बिजनेस, लाइफस्टाइल, गिफ्ट्स, फन एंड जो है उसके बाद अदर्स। तो ये जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है सर्विस जो लोग प्रोवाइड करते हैं वो लोग भी जो है यहाँ पर अपनी सर्विसेज की लिस्टिंग करते हैं, और जिन लोगों को सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है वर्ल्ड वाइड वो लोग भी यहाँ पर आकर जो है उन सर्विसेज को परचेज करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी लिस्टिंग की हुई है। सपोज दैट इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आई विल राइट अ प्रोफेशनल प्रेस रिलीज। ये जो है इन्होंने बताया कि जो है मैं प्रेस रिलीज जो है प्रोफेशनली लिखती हूँ, और उन्होंने इसकी जो प्राइस है वो $15 यहाँ पर फिक्स की हुई है एक प्रेस रिलीज की। और ये स्टार स्टार के बाद में जो ये 339 यहाँ पर दिख रहा है, ये इतनी सेल यहाँ पर कर चुकी है। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग लोगों ने यहाँ पर जो है जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं उसकी लिस्टिंग यहाँ पर की हुई है कि आई विल ड्रा कस्टम फैंटेसी मैप फॉर यू। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आई विल राइट अ प्रेस रिलीज, ये अनदर जो है प्रेस रिलीज के लिए। आई विल ड्रा यू इन माई कॉमिक स्टाइल, ये जो है ड्राइंग बनाने वाले व्यक्ति हैं। आई विल रिकॉर्ड अ एंथुजियास्टिक
वॉइस जो है ये वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है पीपल्स जो है जो जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं या जो उनका पैशन है जिस तरह की जो है जो काम वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं उन्होंने यहाँ पर जो है ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो इस वेबसाइट के अंदर जो है सिंपली आपको अपना अकाउंट बनाना होता है और अपना अकाउंट बना के जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करने हैं वो सर्विसेज की लिस्टिंग और उसका एक प्राइस जो है वो यहाँ पर फिक्स कर देना है। फॉर एग्जांपल जो है हम यहाँ पर सपोज दैट ये एक लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इन्होंने क्या जो है इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक लिस्टिंग हमने ओपन की है, इसके अंदर लिखा आई विल राइट कंप्लीटिंग एंड इफेक्टिव वेबसाइट कंटेंट। ये जो है वेबसाइट कंटेंट लिखने के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर एक लिस्टिंग की है। इसके अंदर स्टैंडर्ड और प्रीमियम यहाँ पर जो है दो अलग अलग रेट इन्होंने दिए हुए हैं, $45 स्टैंडर्ड के लिए, $65 जो है प्रीमियम के लिए। और यहाँ पर सिंपली जो है प्रोसीड टू ऑर्डर दिया हुआ है, यानी कोई भी व्यक्ति जिसको इनकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर जो है सीधे प्रोसीड टू ऑर्डर पर क्लिक करके इस सर्विसेज को परचेज कर सकता है। और यहाँ पर जो है पूरा नेक्स्ट जो इनके प्लान है वो प्लान के डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि स्टैंडर्ड $45 का है, प्रीमियम जो है वो $65 का है और प्रो प्लान जो है वो $185 का है। तो ये जो है जो भी बंदा जो है यहाँ पर इनके साथ जो इनकी सर्विसेज लेना चाहता है वो यहाँ पर कोई भी सर्विस परचेज कर सकता है। एंड यहाँ पर जो है कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस किस तरीके से जो है स्पेसिफिक इनकी क्या क्वालिटीज़ है और ये किस तरीके से जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर जो है पब्लिक के कमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि जिन लोगों ने इनकी सर्विसेज लिए हैं उनके कमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो आगे आने वाले लोग हैं वो अगर इस तरह की सर्विस लेना चाहते हैं तो उनको इससे हेल्प होती है। तो जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आपका पैशन है, जो काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको यहाँ पर लिस्ट करें। और लिस्ट करने के बाद जो है आप के उस लिस्टिंग के ऊपर जो है विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, वो सर्विसेज को सर्च करते हैं और जो है आप भी अपनी सर्विसेज इस वेबसाइट के माध्यम से सेल कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जो है हम अपना अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और हम अपनी लिस्टिंग जो है यहाँ पर किस तरह से डाल सकते हैं, अपनी सर्विसेज को कैसे सेल कर सकते हैं। ऊपर यहाँ राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं स्टार्ट सेलिंग का जो है एक बटन दिया हुआ है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। एक तरीके से जो है ये इस वेबसाइट के अंदर जो है हम साइन अप करते हैं। यहाँ पर आप अपने फेसबुक अकाउंट, अपने गूगल अकाउंट या फिर लिंक्डइन के अकाउंट से सीधे लॉगिन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालता हूँ। अपना ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है सेकंड जो है ऑप्शन आ रहे हैं कि चूज अ यूजर नेम और चूज अ पासवर्ड। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड चूज करना है। यूजर नेम और पासवर्ड चूज करने के बाद आपको ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर जो है एक मैसेज आ रहा है कि कंफर्म द ईमेल, जो आपने ईमेल आईडी यहां पर इंटर की है वहाँ पर जो है एक कंफर्मेशन मेल यहाँ पर भेजा गया है। और जैसे ही उस कंफर्मेशन ईमेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो है हमारा जो वेबसाइट है वो जो हमारा अकाउंट है वो कंफर्म हो जाएगा। तो जो है मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है fiverr.com की तरफ से जो है एक मेल आया हुआ है, एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट। मैं जस्ट इस मेल को ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है एक्टिवेट योर अकाउंट का जो है इन्होंने
कंफर्मेशन लिंक दिया हुआ है, ये जो बटन है इसके नीचे इनका कंफर्मेशन लिंक है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर जो है मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है और मैं जो है मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर बन गया। यहाँ पर ये देखिए ये ग्रीन कलर का जो है आइकन आ रहा है, मेरा यूज़र नेम यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के नीचे जो है स्टार्ट सेलिंग, रिक्वेस्ट, माय फेवरेट, माय प्रोफाइल, सेटिंग और ये बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टार्ट सेलिंग के इस बटन के ऊपर क्लिक करके हम अपनी जो है लिस्टिंग भी कर सकते हैं, या अगर हमें कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर, तो यहाँ स्टार्ट सेलिंग के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, वर्क यूअर वे, बिकम अ सेलर। जैसे ही हम बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने जो है ये फॉर्म ओपन हो गया है। इस फॉर्म को हमें जो है कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है और उसके बाद में जो है हम अपनी लिस्टिंग कर पाएंगे। यहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट टू वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम। यहाँ पर जो है मैं फुल टाइम सेलेक्ट करता हूँ। आप जो है पार्ट टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पर पार्ट टाइम ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई कैन वर्क ऑन 30 आवर अ वीक, एक सप्ताह के अंदर 30 घंटे हम काम कर सकते हैं, मोर देन, लेस देन और मोर देन। यहाँ पर मैं लेस देन 30 आवर अ वीक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आई वुड लाइक टू अर्न, आप जितना भी यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें। मैं यहाँ पर जो है $1,000 पर मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका फेसबुक अकाउंट है उसको आप लिंक कर सकते हैं, गूगल प्लस के अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसमें से सपोज दैट मैं गूगल प्लस के अकाउंट को क्लिक करता हूँ। जो इसकी एप्लीकेशन है ये मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है आप अपने मोबाइल के अंदर इसकी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पर अपना अकाउंट वो करके। तो मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज के ऑप्शन है, यहाँ पर इंग्लिश जो है वो बेसिक है, आप जो है अपनी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड न्यू लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके जो है आप नई लैंग्वेज जो है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट मैं हिंदी यहाँ पर इंग्लिश के साथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्लुएंट, इसको ऐड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ऐड हो गई है। स्किल, डू यू हैव एनी स्किल, यस। यहाँ पर क्या स्किल जो है आपके अंदर उसका जो है आप डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना डाल देता हूँ। ओके, ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर इसमें से सिलेक्ट करना है। ये स्किल यहाँ पर ऐड करना है। इसके अलावा जो है एजुकेशन जो है, अगर आपका कोई एजुकेशनल जो है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री डाल सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपने कौन सी डिग्री हासिल की है। उसके बाद क्या क्या सर्टिफिकेशन आपके पास में है वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर जो है आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर जो है आप अपने बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं।
इस तरह से जो है डिस्क्रिप्शन डालने के बाद कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, ये जो यहाँ पर एजुकेशन वाला है इसमें इंडिया, यहाँ पर जो है टाइटल टाइप करने के बाद में जो है आप यहाँ पर कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल जो मेरी कैटेगरी है और वर्ड फ्रेज जो है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर जो है अदर जो है प्लेटफॉर्म भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट उसके लिए मैं जो है नेक्स्ट लिस्टिंग भी कर सकता हूँ। सर्विसेज जो है किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, यहाँ पर फुल वेबसाइट क्रिएशन जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है कुछ प्लगइन्स हैं, मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो है टैग डाल देता हूँ। वेबसाइट डिजाइन डाल देता हूँ। वर्डप्रेस ब्लॉग, यहाँ पर जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्कोप एंड प्राइसिंग आती है, ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ अलग अलग पैकेज अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल भी यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने, तो हम इसको भी देख के जो है मदद ले सकते हैं। यहाँ पर प्राइस सेट करना है, ये स्टैंडर्ड जो है मैं $45 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है $65 और यहाँ पर $100। यहाँ पर तीन प्राइस जो है वो आ गए हैं। यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ पेजेस जो है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि इसमें जो है 10 पेजेस जो है इसमें रहेंगे।
डोमेन होस्टिंग एंड कंटेंट डिटेल जो है मुझे यहाँ पर चाहिए, ये सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। सेव कंटिन्यू, उसके बाद जो है यहाँ पर गैलरी है, गैलरी के अंदर कुछ इमेजेस जो डाली जा सकती है। यहाँ पर PDF फाइल वगैरह भी डाली जा सकती है, वीडियो हो तो वीडियो डाल सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू। एंड देन पब्लिश गिग। ये जो है यहाँ पर जो है पब्लिश हो चुकी है आपका जो लिस्टिंग है, और यहाँ पर लिखा है अवर स्टडी शो दैट प्रमोट गिग्स, मतलब जो आपने जो है लिस्टिंग की उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। ये वाली लिंक जो है इसको फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, लिंक्डइन पे जो है शेयर कर सकते हैं, आप एक ईमेल सेंड कर सकते हैं, और लास्ट में जो है डन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है ओवरव्यू, प्राइसिंग, FAQ, रिक्वायरमेंट, गैलरी, पब्लिश, और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपकी एक लिस्टिंग बन जाती है, और उस लिस्टिंग को आप जो है प्रमोट कर सकते हो, और लोग जो है यहाँ पर आपकी सर्विसेज के लिए आपको पे करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, जो भी आपके जो कैपेबिलिटीज है, स्किल्स जो आपके अंदर हैं, तो वो यहाँ पर जो है आप लिस्ट करके यहाँ से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स जानने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।